दीदी आई यहाँ पे। लता यहाँ पे, तुम लोगों को नहीं मिली, क्या हो गया हमारी बेटी को? किसका फोन है? राज का फोन है। राज? हेलो, राज का फोन क्यों है? हाँ राज बोलो। अभय जी की बहन लता के साथ कुछ हादसा हुआ, तुम लोग जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुँचा। व्हाट? हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे। सुनिए लता, उदय प्रताप सिंह उन्हें आज यहाँ एडमिट किया गया, बताइए ना कहाँ पे हैं वो प्लीज। रेप अटेम्प्ट का केस है, बदनामी के डर से इन्होंने जहर खा लिया है, हॉस्पिटल पहुंचने में इन्होंने देर कर दी, डेड बॉडी लेने इनके घर वाले आते ही होंगे। मार डाला मेरी बेटी को। तुम सब लोगों ने मिलके मार डाला मेरी बच्ची को। मिस्टर करण, आपके पेशेंट आईसीयू में है। थैंक यू, आइए प्लीज यहाँ पे। क्या क्या हुआ है मेरी दीदी? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैंने फॉर्मेलिटीज कर दी हैं। क्या हुआ, क्या है उन्हें बताइए ना। करण विजय, तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मैंने जब देखा लता जी को तो यार क्या उनके कपड़े वगैरह फटे हुए थे। She was not in a good state. मुझे लगता है उनके साथ जबरदस्ती हुई है। हमने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन वो इंसान हमें मिल जाए जिसने हमारी लता दीदी के साथ ये किया है तो जान निकाल दी गई मुश्किल, जिंदा दिला देंगे उसको। कंट्रोल संभाल लिया, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। बताइए ना क्या कंडीशन है अभी, क्या प्रॉब्लम? कैसी है हमारी बेटी? देखिए ये बात तो आपको उन्हें अकेले छोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। जिस कंडीशन में वो मिली हैं, उस कंडीशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं इसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल कुछ कहना बहुत ही मुश्किल होगा। विमल कहाँ था? हफ्ते कितने फोन लगाए तुझे, और ये क्या हुआ? मां मैं एक जरूरी काम से गया था, ये पता नहीं माँ। अरे मुझे एक जरूरी फोन करना है, आप मेरे कमरे में हल्दी वाला दूध भिजवा दो। अच्छा मैं भिजवाती हूँ, तू आराम कर। हेलो, अरे बेटा लता कैसी है? माँ अभी वो आईसीयू में है। हम आईसीयू में, ऐसा क्या हो गया? माँ एक मैं घर आके आपको बाकी सारी बातें बताती हूँ, वो अभी बस सब बाहर बैठे हैं। और बेटा मैंने इसलिए फोन किया था कि विमल घर आ गया है। आ गए? लेकिन अभी तक कहाँ थे? मैंने पूछा शैली, लेकिन कुछ बताया नहीं, परेशान सा लग रहा था और चोट भी आई है उसको। मैं सुबह बात करती हूँ। विमल भैया यहाँ इस हालत में और लता वहाँ हॉस्पिटल, कुछ तो गड़बड़ जरूर है।